पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हो सकती है उम्र कैद की सजा, पाकिस्तान के कानून मंत्री ने दी जानकारी। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, मुआवजे और नौकरी के लिए परिजनों का धरना। युवाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए 196 करोड़ की राशि के लैपटॉप वितरित, बीजेपी सांसद कविता पाटीदार। सीएम केजरीवाल ने की बड़ी घोषणा, अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा विदेश। यूपी निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए युवाओं ने की सीएम योगी की सराहना। नोएडा पुलिस की सराहनीय पहल, 10 पौधे लगाने और सूखने न देने की शर्त पर गुंडा एक्ट ने दी राहत। ज्ञानवापी परिसर का संपूर्ण सर्वे होगा या नहीं, फैसला आज, वाराणसी कोर्ट सुनाएगा निर्णय। तेलंगाना समर्थकों संग धरने पर बैठे केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी बोले, बीआरएस सरकार के खिलाफ शुरू हो गया युद्ध। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर बने मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित किया, गिरफ्तार। आय कम वाले 2.5 लाख से ज्यादा परिवारों को दिसंबर तक मुफ्त चीनी देगी दिल्ली सरकार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।